सिमडेगा जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष अनूप केशरी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की महंगाई नीति के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन महावीर चौक सिमडेगा में नुक्कड़ सभा के माध्यम से किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष अनूप केशरी ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ जमकर नाराबाजी करते हुए कहा कि एक तरफ बीजेपी सरकार अपने पूंजीपति दोस्तों का 11 लाख करोड़ रुपया का कर्ज माफ करती है, दूसरी तरफ इस घाटे को पाटने के लिए बच्चों के दूध दही छाछ आटा चावल दाल कॉपी पेंसिल पर GST वसूल कर रही है, ये सरासर जनता के खिलाफ है। हम कांग्रेस के लोग इस महंगाई के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम जारी रखेंगे। ये प्रदर्शन पूरे राष्ट्रव्यापी है और हमारे आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जो अनाउंस किया गया है वो प्रधानमंत्री आवास का घेराव करना है, वो दिल्ली में कार्यक्रम चल रहा है, प्रदेश में राज्यपाल राजभवन घेराव है और हम लोग आज सिमडेगा जिला में प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी अग्निवीर जैसी योजनाओं को जो सरकार के द्वारा लाया गया है इसका हम लोग कांग्रेस पार्टी विरोध कर रहे हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।